हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नेवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ना, ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन का वीडियो, मतलब रक्षाबंधन का ही जहाँ से मैंने स्टॉप किया था उसके आगे का वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं कुछ कपड़े पैक कर रही थी। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी को जाना है चित्रकूट, तो बस उसके लिए कुछ गिफ्ट्स थे। जैसे कि ना, अभी मामा की बेटी आई हुई है, जूली दीदी, डिंकी दीदी, बाकी कई लोग जो भी हैं। जैसे कि मामा जी ने एक्सपायर हो गए थे अभी, तो दुख का फेस्टिवल था तो वहाँ पर गए हुए थे, तो उन्हीं के लिए मैं कुछ पैक कर रही थी। तो ये है ब्लैक कलर की कुर्ती जो कि मैंने सोचा उसका उसे पहले इसी रैपर से पैक कर लूं, और ना राउंड शेप में पैक कर दिया था। मैंने बोला बॉक्स में करूंगी तो उसके लिए जगह भी काफ़ी सारी चाहिए होगी, तो एक मैंने कर दिया था। और ये सेकंड कर रही थी, एक थी इसमें ब्लैक कलर थी और एक थी इसमें ब्लू कलर। सो फ्रेंड्स, ये ना पैक हो गया था। और क्या था ना, मैंने और कई चीज़ें थी, जैसे कि मम्मी बेड शीट ले जा रही थी तो उन्हें ना हमने नॉर्मली पैक कर दिया था। और इसमें सिर्फ एक पेपर में ना सिर्फ कुर्ती थी, एक जूली दी के लिए और एक डिंकी दी के लिए, और उनकी बेबी है डिंकी दीदी की, तो उसके लिए एक रोम्पर था। फिर मम्मी निकल गई थी। एक्चुअली ये बहुत लगे थे कि नेवी को ले जाऊं, बट मैंने मना करके रखा था कि नेवी नहीं जाएगी, आप लोग बस चले जाओ, तो नेवी को मैंने नहीं भेजा था। ये शाम का वीडियो है, तकरीबन 5 बजे का, क्योंकि राखी वाखे से हमने बंधवा के ना फ्री हो गए थे वापस। मैंने ये सूट वेयर कर लिया था और मम्मी लोग चले गए थे। और फिर क्या हुआ ना, दूध पता नहीं क्या क्यों फट गया था, तो फिर हमने ना मार्केट से ये वाला दूध मंगवाया और फिर मैंने इसे छान लिया था ताकि ये पक जाए जल्दी से। फिर इसके बाद और भी कई काम होते हैं, तो मैंने सोचा यहीं पे ना दूध बॉइल्ड हो रहा है और जब तक कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ। और ये नानी भी ना बहुत ज़्यादा हल्ला करती है, अगर उसे आप बोलोगे ना कि हल्ला मत करो तो वो और भी ज़्यादा हल्ला करती है। और यहीं पे ना मैंने रामा का दूध भी रख दिया था बॉइल्ड करने के लिए। और फिर मैंने सोचा सबसे पहले ना किचन क्लीन कर लो, अगर किचन गंदा है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता कुछ भी काम करने का। तो मैं ये पानी लेने गई थी हारू का, और फिर इसके बाद मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि ये होता है ना कि हम शाम को, और शाम को ये था कि बच्चे ने पहले ही खा लिया था तो उन्हें भी भूख लगने का टाइम हो रहा था। जब काम होता है ना तो ऐसे तैयार होके ना काम करते नहीं बनता जब तक कि आप अपने नेचुरल लुक में ना आओ। तो मैंने सारी चीज़ें, साड़ी वगैरह चेंज करके, चूड़ियाँ वगैरह चेंज करके फिर मैं वापस से काम में लग गई थी। और यहाँ पर भी मैंने ये ना दूध जो फट गया था ना, तो उसका पनीर मतलब हुआ थी उस समय, तो उन्होंने बना लिया था। और इसके आज मैं बनाने वाली हूँ रात को पनीर के पराठे, तो ये है मस्त वाला पनीर। और मैंने सोचा है रात को तो इसके पराठे बनाने हैं। अब ये ना, फिर बुआ ऊपर आई थी, मतलब मैं और बुआ दोनों आई थी, ये जो कजलैयाँ थी, तो हम लोग तो इसे कजलैयाँ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो ये ना मम्मी ने पहले से ये मतलब बो दिया था, इसमें गेहूँ डाल के इसे रख दिया था करीबन 5-6 दिन के लिए, और इसमें रोज़ दूध और जल से सींच देती थी मम्मी। तो ये हो गई है, और मुझे मतलब ये था कि बुआ ने बोला कि तुम नीचे का काम समेट लो। क्या होता है, हमारे ये सेकेंड डे का वीडियो है, कई सारे काम हो गए थे तो मैंने कैप्चर नहीं मतलब कर पाई थी जल्दी जल्दी में। तो क्या होता है, हमारे यहाँ कजलियों के दिन ना, जो हमारे घर के आसपास के रहते हैं ना, तो सारे लोग एक फिर वो ये सब कर रही थी। और ना मैं आ गई थी नीचे क्योंकि नीचे भी देखना था, और यहाँ पे ये रामा ना बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है भाई। इसे पता है क्या होता है, अपना सीढ़ी चढ़ने के लिए, अगर वो उसने देख लिया कि कोई ऊपर जा रहा तो उसे भी चढ़ना है। और इसने ना एक दिन एक सीढ़ी चढ़ भी ली, उसका वीडियो मैंने नहीं किया था, फिर और घबरा गई थी मैं। और ये कि मैंने ना नीचे क्लीन करने के लिए बेड शीट, फिर उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन सी बेड शीट बिछाऊँ। और ना मम्मी सॉरी मतलब कि मम्मी और ये तो चले गए थे चित्रकूट, और ना तीनों बच्चे और फूफा जी बुआ नीचे थे। नीचे क्या मतलब वो रेडी हो रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे ना धोरका है जो चंदिया के आस पास के होंगे,
नानू पकड़ लो थोड़ा, जो यहाँ के आसपास के होंगे तो वो जानते होंगे। तो मैंने ना सोचा ये डार्क वाली बेडशीट बिछा लेती हूँ तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और ये ना 2-in-1 टाइप्स था ये बेडशीट, सामने से ये है। और अभी हम कटनी गए थे ना उस दिन तो लेकर आए थे, एक मैं रूम के लिए भी लेकर आई थी और दो नीचे के लिए। तो ये 2-in-1 टाइप्स है और ये बहुत दूर से मैंने कैप्चर किया है। फिर इसके बाद ना ये मैंने बेड सेट बिछाई और बिछाने में ना काफ़ी अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि बुरी सी लग रही हो। और ये सेकंड पार्ट का भी आप ना मतलब इसके दूसरी साइड से भी बिछा सकते हो। फिर ये है रामा, जो कि मैंने इसे रेडी कर दिया था और निवी उसके पीछे बैठी थी तो उसे ना कचलाइयाँ लगा रही थी और इसके कमेंट ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो हमारे निवी, नानू और रामा तीनों थे, मतलब कि तैयार हो चुके थे, हम सब तैयार हो चुके थे एक्चुअली, क्योंकि शाम हो चुकी थी। और ये है मेरा लोग, मेरा चेहरा देखिए कितना डल सा हो रहा है इस समय, बच्चे परेशान कर रहे थे और यहाँ पर मैं आराम से बैठ कर मोबाइल चला रही थी। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, पता नहीं बोने मेरी ये फ़ोटो कब ली थी, बहुत ही अच्छी आई है जो कि। और यहाँ पे ना सारे लोग, हम मतलब सब लोग, रूम क्लीन था बिल्कुल, बैठे हुए थे, किसी की कोई आएगा शायद। तो ये था कि ईश्वर क्या था, बारिश हो रही थी तो ज़्यादा कोई किसी के घर नहीं गया। मैं और बुआ ना, हमारे सामने वाली एक दादी है वो एक्सपायर हो गई थी तो उनके घर मैं और बुआ पहले से वो आए थे। और यहाँ पर बुआ, फूफा जी और दोनों बच्चे, और ये मॉर्निंग का वीडियो था। और यहाँ पे ना बुआ फूफा जी के जाने की तैयारी हो रही थी और हमेशा मम्मी के सामने गए हैं ना, और मुझे कभी, मैंने टीका वगैरह तो मम्मी ने किया है हमेशा, बट बुआ ने बोला सुख का टीका मतलब कि महावर लगा दो। तो फिर मुझे याद आया कि मम्मी टीका भी लगाते हैं, तो फिर मैंने टीका भी लगाया बुआ को, फूफा जी को। और ये नानू ना बहुत सैड थी कि अब चले जाएँगे सब लोग। और पता है मैंने बोला था कि अभी आप लोग मत जाओ, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, रुक के चले जाना, बट नहीं, फूफा जी ने बोला बारिश का ठिकाना नहीं है, कब तक की होगी, हम लोग निकल जाते हैं। तो ये देखिए, और फिर यहाँ पे ना फूफा जी गाड़ी मतलब लेकर, पहले फूफा जी को मतलब फूफा जी को चाचा ने ड्रॉप किया गाड़ी तक, फिर वो आए, रिवर्स करी उन्होंने और फिर निकले। बहुत तेज़ वाली बारिश थी तो वो चाचा खड़े ही थे और मैं फिर ऊपर, मैं भी खड़ी हुई थी नीचे। और फिर बस बारिश में ना ये लग रहा था कि अभी थम जाए, बट बारिश थी कि जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बस फूफा जी ने गाड़ी बैक की और फिर वो नानू भी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मम्मी भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। वैसे भी नानू को भी आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा कि जब भी बुआ लोग भी जाती हैं या बुआ दादी भी जा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा सैड थी। उसको ये लगता है ना जब कोई घर में आए तो फिर ना जाए जल्दी। और मुझे पता चला कि उसके पापा का भी सेम यही नेचर था। और जब किसी को आना होता है ना, जैसे बुआ को, बुआ लोग मतलब नानू की बुआ लोगों को या हमको, मेरी बुआ को, तो क्या होता है ना, वो बहुत 50 बार फ़ोन करके मम्मी कहाँ पहुँच गए, मम्मी कहाँ पहुँच गए, मम्मी। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।